नमस्कार साथियों, मैं हूं तेजपाल शर्मा और आपका जेएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज की, कि कंप्यूटर में किन महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है और किस प्रोग्राम में कैसे। इस तरह के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो HSSC हो, SSC हो या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कोई एग्जाम हो, उनमें सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर ये वीडियो जो कंप्यूटर का NILET का CCC कोर्स है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे शॉर्टकट कीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, आज के जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं उन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं F1 की। फंक्शन कीज 12 होती हैं, इनमें से F1 की जो है वो इस्तेमाल की जाती है हेल्प के लिए। किसी भी प्रोग्राम में हेल्प के लिए, उस प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए F1 की का इस्तेमाल हम करते हैं। सेकंड बात करें तो F2 की का इस्तेमाल करते हैं रिनेम ए सिलेक्टेड फाइल। किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके उसको रिनेम करने के लिए F2 कीज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें F5, तो नॉर्मल सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं उनको पता होता है F5 की करंट प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम के अंदर है उस प्रोग्राम की विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। ब्राउजर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रिफ्रेश करने के लिए F5 की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें Ctrl+N। Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है क्रिएट ए न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन सम सॉफ्टवेयर और ओपन ए न्यू टैब। यानी कि किसी भी प्रोग्राम में आप काम करें तो उससे रिलेटेड किसी नई फाइल के लिए, नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं, यानी न्यू फाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं Ctrl+N का। और अगर बात करें ब्राउजर की, तो ब्राउजर जैसे मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, किसी भी तरह के ब्राउजर हैं, उन ब्राउजर में मोस्टली ब्राउजर में Ctrl+N का मतलब है न्यू टैब क्रिएट करना, नई टैब ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें Ctrl+O। Ctrl+O किसी भी फाइल के जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं उसी फंक्शन की फाइल के लिए, उसी एप्लीकेशन की पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें Ctrl+A। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट के लिए, डेटा सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें Ctrl+B, चेंज सेलेक्टेड डेटा टू बी बोल्ड। यानी कि मान लीजिए इस लाइन को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके Ctrl+B दबाएंगे तो देखिए इस तरह का, जैसे ये काफी बोल्ड हो रखा है ना, मोटा हो रखा है ऐसे टेक्स्ट, ऐसे ये टेक्स्ट भी मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। यानी Ctrl+B बोल्ड करने के लिए किसी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड पार्ट को, यानी जो पार्ट आपने सेलेक्ट कर रखा उसको बोल्ड करने के लिए, और Ctrl+I जो है उस पार्ट को इटैलिक यानी थोड़ा सा तिरछा करने के लिए, इटैलिक बोलते हैं जिसको, इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें Ctrl+U। Ctrl+U जो है वो अंडरलाइन करने के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी लाइन को, पैराग्राफ को अगर आपने अंडरलाइन करना है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+U प्रेस कीजिए तो आप जो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं शॉर्टकट की तो के तौर पर। नेक्स्ट बात करें Ctrl+F। ओपन फाइंड विंडो फॉर करंट डॉक्यूमेंट और विंडो। यानी किसी भी, जैसे MS Word में हम काम कर रहे हैं और हमें कुछ वर्ड ढूंढना है, कोई भी वर्ड ढूंढना है, और डॉक्यूमेंट में 500-600 पेज हैं, 100-200 पेज हैं, काफी ज्यादा संख्या में पेज हैं, तो उनको बारी बारी से हम पढ़ के नहीं ढूंढ सकते, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम जो है वो या तो होम पेज पर जाकर के, होम पेज पर यहाँ इस बार में, यहाँ लास्ट में जाएंगे, एडिटिंग सेक्शन होता है, वहां जाकर के हम फाइंड का ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, फाइंड रिप्लेस ढूंढ लेते हैं, तो वहां से कर सकते हैं, या फिर Ctrl+F दबाइए तो वहां पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं वो उसमें डाल के फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी वर्ड को, किसी प्रॉपर वर्ड को फाइंड करने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करते हैं, यानी फाइंड विंडो ओपन करने के लिए। नेक्स्ट बात करें Ctrl+S। Ctrl+S जो है किसी भी डॉक्यूमेंट की फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, आप अपने साथ जब भी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी कॉपी पेन जो है अपने पास रखें, ताकि यहाँ आने वाली सारी चीजें आप जो है साथ के साथ नोट डाउन कर सकें, और आप नोट डाउन करने के बाद में दोबारा अपना सिस्टम ओपन करके, स्टार्ट करके सिस्टम को, ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें Ctrl+X। Ctrl+X जो है वो किसी भी
सिलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए, मान लीजिए इस लाइन को करंट डॉक्यूमेंट फाइल जो लाइन है इस लाइन को हमने सिलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं कि ये लाइन यहां से हटा करके यहां ऐड करना चाहते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो क्या है वो कट हो जाएगी यहां से, और यहां आके हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट करने के लिए है कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट से भी सॉरी शिफ्ट प्लस डिलीट से भी हम जो है वो किसी सिलेक्टेड पार्ट को कट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एक्स काम करता है सेम उसी फंक्शन के लिए कंट्रोल प्लस सॉरी शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी लाइन को पैराग्राफ को आप जो है सेलेक्ट कर ले उसके बाद में कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल के साथ इंसर्ट की अगर प्रेस करेंगे तो हमने कोई पार्ट अगर सेलेक्ट कर रखा है तो उसका कॉपी हो जाएगा, यानी कंट्रोल सी और कंट्रोल इंसर्ट दोनों के एक जैसे ही काम है, दोनों एक जैसे काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए काम आता है, और इसी तरीके से शिफ्ट के साथ अगर इंसर्ट इस्तेमाल करें तो पेस्ट, यानी कंट्रोल के साथ इंसर्ट करेंगे तो कॉपी, शिफ्ट के साथ इंसर्ट करेंगे तो पेस्ट का काम आएगा, यानी इन दोनों का कंट्रोल वी और शिफ्ट इंसर्ट दोनों का एक काम है पेस्ट करना, कंट्रोल सी और कंट्रोल इंसर्ट का काम है कॉपी करना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई, रीडू लास्ट एक्शन, अगर हमने किसी अंडू किया है तो उसको रिपीट करने के लिए रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करते हैं, और कंट्रोल जेड यानी अंडू लास्ट एक्शन, किसी लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए यानी कि लास्ट स्टेप को बैक जाने के लिए हम जो है कंट्रोल जेड करते हैं। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल के, काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कंट्रोल प्लस पी, पी से प्रिंट यानी प्रिंट द करंट पेज और डॉक्यूमेंट, किसी भी वेब पेज को या किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें होम, होम की का इस्तेमाल किया जाता है, जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं उस लाइन के बिल्कुल शुरू में जाना है तो होम की का इस्तेमाल करेंगे, कीबोर्ड में होम की दबाएंगे तो उस लाइन के शुरुआत में चले जाएंगे। अगर कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं तो हम उस जो डॉक्यूमेंट है उसके डॉक्यूमेंट के फर्स्ट लाइन पर पहुंच जाएंगे, यानी कि एक तो डॉक्यूमेंट की फर्स्ट लाइन और एक जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं उस लाइन में, तो नॉर्मली होम दबाएंगे अकेला होम तो उस लाइन के शुरुआत में जाएंगे, और कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो उस लाइन के उस डॉक्यूमेंट के पहली लाइन पर चले जाएंगे हमारा कर्सर। नेक्स्ट बात करें एंड, एंड का काम होता है गोज टू एंड ऑफ करंट लाइन, यानी कि जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं उस लाइन के बिल्कुल एंड में जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड की का, और एंड कंट्रोल के साथ एंड की इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्यूमेंट की लास्ट लाइन पर हम पहुंच जाएंगे। और शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम यानी हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, यानी शिफ्ट के साथ अगर होम का इस्तेमाल करेंगे तो हम जहां हमारा कर्सर है वहां से लेकर के उस लाइन की शुरुआत तक हमारा जो है वो जो लाइन वगैरह होगी वो टोटल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल का आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।